Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Ms. Aksa. Today I am going to teach you the first chapter of your OME Oxford Modern English. Welcome class 3. Open your books. Page number 2. Your first unit, your first chapter, the name of your first unit is Dorothy Meets the Scarecrow. Okay. Before starting the story, you must know the character. This is a scarecrow. This is Dorothy and it is Toto. Okay, Dorothy is the name of a girl, Toto is the name of a dog, and Scarecrow. What is mean by Scarecrow? Scarecrow basically a human shaped figure bana hua hota hai jo ki straw se milke bana hota hai. Jis tarike se puppets wagaira hote hain na, ye aksar aapke paas jo fields wagaira hoti hain unke corner pe bana hota hai, taaki jo aapke jo birds wagaira hain wo aapki jo fields hai unhe kya na kare, harm na pahuncha sake. Agar aap, kyunki aksar aapne dekha hai na, jo bahut badi badi vast fields hoti hain jo matlab ki kheti baadi karne ke liye, jo matlab crops wagaira ke liye, jo kisan hai wo apni crops ko save karne ke liye ek end point pe ek pole ke upar ek straw se मिलकर एक स्टफ तैयार कर देते हैं. स्टफ स्ट्रॉ मतलब कि जुड़ा जोड़ जोड़ के स्ट्रॉ से एक ह्यूमन के शेप का एक ही एक पोल पर टाई करके एक आदमी बना देते हैं ताकि बर्ड्स जो हैं उनसे डर के घबरा के उस जगह से चले जाएं और उनकी जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब ना हो सकें. ओके, यू मस्ट नो सम वर्ड्स बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर. गेज्ड, व्हाट इज़ मीन बाय गेज्ड? टू लुक एट समथिंग स्टेटली. गेज्ड का मतलब किसी की तरफ मतलब बिल्कुल हैरानी से देखना, एडमायरिंग वे, बिल्कुल मतलब हैरान होकर किसी की तरफ देखना. ग्रेटफुल मतलब किसी का थैंकफुल होना. राइप मीन्स रेडी टू ईट और पिक, मतलब राइप मतलब आपके पास जो क्रॉप्स होती हैं वो राइपन हो जाती हैं, मतलब के तैयार हो जाती हैं, फिर वो मतलब के रेडी होती हैं कि बस आप उन्हें लेके जाएं, पकाएं और उन्हें खाएं. दैट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ राइप. स्कैरिक्रो मैंने आपको बताया, ह्यूमन शेप फिगर मेड बाय स्टफिंग स्ट्रॉ इनटू क्लोथ, और उसने क्लोथ्स भी पहने हुए होते हैं, बिल्कुल मैन के शेप का होता है वो, बिल्कुल एक इंसान लग रहा होता है. और वो किस लिए होता है? टू स्केयर द बर्ड्स, बर्ड्स को डराने के लिए, फ्रॉम द क्रॉप्स. ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. डोरोथी वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड. डोरोथी जो है वो रोड के पास से रोड पर एक क्रॉस कर रही होती हैं, रोड पे वॉक कर रही होती हैं. और जो रोड है वो कैसा होता है? इट वाज मेड अप ऑफ येलो ब्रिक्स. येलो ब्रिक्स से रोड जो है वो बना हुआ होता है. व्हेन शी हैड गॉन सम माइल्स, जब बहुत दूर वो जाने लगती हैं तो वो थोड़ा थक जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं. उनके साथ टोटो भी होता है, द नेम ऑफ द डॉग. टोटो और डोरोथी जो हैं वो दोनों टायर्ड हो जाते हैं और फेंस के ऊपर डोरोथी क्या करती हैं? बैठ जाती है. फेंस बेसिकली किसी की बाउंड्री को कहते हैं, मतलब जहाँ पे कोई चीज़ एंड होती है तो उसकी एंडिंग पॉइंट पे हम बाउंड्री बना देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली फेंस. सी, दिस इज़ फेंस. ओके, अब वो वहाँ पर बैठी होती हैं और अपने टाइम को पास कर रही होती हैं. और कॉर्न फील्ड, अब आप फील्ड कौन सी है? कॉर्न फील्ड कैसी फील्ड है जिसके अलॉन्ग जो है वो डोरोथी वॉक कर रही हैं? कॉर्न फील्ड के अलॉन्ग जो है डोरोथी वॉक कर रही हैं. और जो कॉर्न फील्ड है वो मतलब भुट्टे की फील्ड, जहाँ पे जो आप देखा होगा बेसिकली भुट्टे जो होते हैं उस फील्ड को हम कॉर्न फील्ड कहते हैं. वहाँ पर जो हैं बहुत सारे भुट्टे लगे हुए हैं उनके, वो कॉर्न फील्ड है. और डोरोथी जो हैं वो टायर्ड हो चुकी हैं और फेंस के ऊपर बैठी हुई हैं टोटो के साथ मज़े से. और अचानक से डोरोथी को एक स्कैरिक्रो दिखाई देता है. डोरोथी सॉ अ स्कैरिक्रो एंड गेज्ड, वो गेज्ड वे में उसे देखने लग सकती हैं. बहुत हैरान कन होकर उसको स्कैरिक्रो की तरफ देखती हैं. और जो स्कैरिक्रो होता है वो कैसा होता है? स्ट्रॉ से मिलकर बना हुआ होता है, उसका पेंटेड फेस होता है सैक की तरह, मतलब बोरी की तरह. और ओल्ड पेंटेड पॉइंटेड ब्लू हैड, बहुत पुराना सा उसने पॉइंटेड मतलब कि जिसकी नोक निकली हुई होती है, दैट इज़ शार्प कोन टाइप शेप, दैट इज़ कॉल्ड दी पॉइंटेड कैप. उसने ब्लू कलर का पॉइंटेड कैप पहना होता है अपने हेड के ऊपर और ब्लू कलर का सूट उसने पहना हुआ होता है. किसने? स्कैरिक्रो ने. और उसने ओल्ड बूट्स पहने हुए होते हैं. बूट्स क्या? बेसिकली शूज़, ऐसे शूज़ होते हैं जो आपके लेग्स तक मौजूद होते हैं. और वो क्या हुआ हुआ होता है? टाइड हुआ होता है टॉल पोल पर, एक फील्ड के कॉर्नर पे लंबा सा पोल होता है, उसके ऊपर जो स्कैरिक्रो है वो टाई हुआ हुआ होता है, बंधा हुआ होता है. व्हाइल डोरोथी वाज लुकिंग एट द पेंटेड फेस ऑफ स्कैरिक्रो, शी वाज सरप्राइज, कि डोरोथी बहुत सरप्राइज हो जाती है किसको देख के? स्कैरिक्रो को देख के. और वो इमेजिन करने लग जाती है कि शायद वो अज्यूम कर रही है सब चीज़ें, इमेजिन कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ऐसा मतलब रियल लाइफ में नहीं है. वो ऐसा इमेजिन करने लग जाती हैं क्योंकि जो स्कैरिक्रो है वो क्या कहता है? गुड डे, सेड द स्कैरिक्रो. स्कैरिक्रो बोलने लग जाता है, वो कहता है गुड डे. वो तो डोरोथी बिल्कुल हैरान हो जाती हैं कि स्कैरिक्रो कैसे बोल सकता है.
सर्टेनली आंसर द स्काई क्रो, हाउ डू यू डू, क्या बोलता है वो, हाउ डू यू डू, तो डॉर्थी उनसे क्या पूछती हैं, तुम कैसे बोल सकते हो, यू डिडंट जस्ट स्पीक डिड यू, आज द गर्ल इन वंडर, आई एम प्रीटी वेल थैंक यू, रिप्लाइड डॉर्थी पोलाइटली। डॉर्थी कहती हैं आई एम प्रीटी वेल, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ, एंड थैंक यू, रिप्लाइड डॉर्थी सेड पोलाइटली, बहुत खामोशी अंदाज में, बिल्कुल लाइट पोलाइट वे में वो रिप्लाइड करती हैं, जी थैंक यू, ओके, आई एम बोर्ड सेड द स्कैरक्रो, स्कैरक्रो कहता है मैं बहुत बोर हो चुका हूँ। अब किस चीज़ से, यहाँ पे स्टक अप इतनी, मतलब मुझे रात दिन यहाँ पर एक पोल पे टंगे रहना पड़ता है, बिल्कुल टाई होके मैं खड़ा रहता हूँ और क्रॉप्स की देखभाल करता रहता हूँ, और तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। कैन यू गेट डाउन, क्या तुम नीचे आ सकते हो, कौन कहता है, डॉरोथी किसको कहती है, स्कैरिक्रो को, नो दिस पोल इज स्टक अप माई बैक, ये जो पोल है उसने मुझे मेरी बैक को, मतलब मेरी बैक वाली साइड को क्या करा हुआ है, टाई किया हुआ है, बंधा हुआ है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल मैं नीचे आऊँ, लेकिन स्कैरिक्रो क्या कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी मुझे नीचे लाने में। डॉर्थी वॉज सो सरप्राइज टू हेयर अ स्ट्रॉ मैन स्पीकिंग, डॉर्थी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुई हुई होती है कि जो एक स्ट्रॉ मैन है वो किस तरीके से बोल रहा है। अब वो डॉर्थी को बता, डॉर्थी जो है वो क्या करती है, स्कैरिक्रो स्ट्रेच्ड एंड यॉन, वो अपने आप को स्ट्रेच करता है, यॉनिंग मतलब कि अंगड़ाई टाइप अंगड़ाई लेता है। स्कैरिक्रो हु आर यू, आज द स्कैरिक्रो, स्कैरिक्रो डॉर्थी से पूछता है तुम हो कौन वैसे, तो डॉर्थी क्या कहती है, माय नेम इज़ डॉर्थी, सेड द गर्ल, वो लिटिल गर्ल क्या कहती है, मेरा नाम डॉर्थी है एंड आई एम गोइंग टू एमरल्ड सिटी, एमरल्ड इज़ द नेम ऑफ द सिटी, और जहाँ पर कौन जा रहा होता है, कौन जा रही होती है, डॉर्थी और टोटो, और रास्ते में उन्हें कौन मिल जाता है, स्कैरिक्रो। आई एम गोइंग टू आस्क द ग्रेट ऑज टू सेंड मी बैक होम टू कैंसास, बेसिकली डॉर्थी जो हैं वो कैंसास में रहती हैं, लेकिन वो अभी एमरल्ड सिटी में जा रही हैं, और वो कह रही हैं कि मैं ग्रेट ऑज को बोलूँगी कि मुझे मेरे घर कैंसास वापस भेज दें, कैंसास इज़ ऑल्सो नेम ऑफ द सिटी, मुझे वापस भेज दें। वो बोलता है कि ये वेयर इज़ एमरल्ड सिटी एंड सेट दिस कैरेक्टर एंड हु इज़ ऑस, ये ऑस कौन है और एमरल्ड सिटी कहाँ है, नो इंडीड आई डोंट नो एनीथिंग, यू सी आई एम स्टक विथ स्ट्रॉ, वो कहता है मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो खुद स्ट्रॉ से मिलके बना हूँ, तो मेरे पास कोई ब्रेन ही नहीं है जिसके बारे में मैं कुछ सोचूं या मुझे कुछ पता चले। ही ऑनसेट सैडली, बहुत सैड अंदाज में बोलता है कि मेरे पास तो ब्रेन ही नहीं है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल आई कैन टेल यू दैट वेयर इज़ द एमरल्ड सिटी, ओ सैड डॉर्थी आई एम सॉरी फॉर दिस सर, डॉर्थी कहती है मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील करती हूँ कि आपके पास ब्रेन नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस, डू यू थिंक ही आस्क इफ आई गो टू एमरल्ड सिटी विद यू दैट ऑल वुड गिव मी सम ब्रेन्स, क्या तुम्हें लगता है अगर मैं एमरल्ड सिटी जाऊंगा, और बेसिकली विच है जो जिसके बारे में डॉर्थी किसे बता रही है, स्कैरिक्रो को बताती है, तो डॉर्थी को स्कैरिक्रो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं एमरल्ड सिटी तुम्हारे साथ जाऊंगा तो ऑज मुझे थोड़ी सी ब्रेन दे देगी, मतलब मुझे थोड़ा सा दिमाग दे देगी ताकि मैं थिंकिंग कर सकूं, सोच सकूं, समझ सकूं, फील कर सकूं। आई डोंट नॉट रिप्लाई, शी रिप्लाइड कम टू द एमरल्ड सिटी विद मी एंड टोटो, यू कैन आस्क द ग्रेट डॉस फॉर अ ग्रेट डॉस फॉर अ ब्रेन, मुझे नहीं पता, तुम चलो हमारे साथ एमरल्ड सिटी और तुम ऑज से खुद बात कर लेना कि वेदर वो तुम्हें ब्रेन देगी या नहीं देगी। यू शुड ट्राई एनी वन साइड डॉर्थी, यू हैव नथिंग टू लूज, तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे तुम खो सको, तुम चलो हमारे साथ। दैट इज़ टू सेट दिस कैरेक्टर, यू सी आई डू नॉट माइंड माई लेग्स एंड आर्म्स और बॉडी बींग स्टफ बिकॉज आई कैन नॉट गेट हर्ट, मेरी जो बॉडी है वो बिल्कुल एक स्टफ स्ट्रॉ से मिलके बनी है और मुझे टाई किया हुआ था एक पोल के ऊपर, लेकिन देखो मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, मेरे पास ब्रेन नहीं है, तो मुझे बिल्कुल हर्ट फील नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि मुझे बहुत अजियत दी हुई है, मुझे फील ही नहीं हो रहा था, मुझे कोई पिंच चुबाता है या फिर मुझे कोई पंच करता है या मेरी टोस को छेड़ता है मेरे बूट्स को, लेकिन मुझे कुछ फील नहीं होता बिकॉज आई डोंट हैव माइंड, आई डोंट हैव ब्रेन। डॉर्थी लिसन केयरफुली एंड शी वॉज अमेज टू सी द स्कैरेक्रो वॉकिंग एंड टॉकिंग एंड शी वॉज अमेज, वो बहुत ज़्यादा हरीड, बहुत ज़्यादा ड्रॉनी अंदाज में उसकी तरफ देखती है, बहुत हैरान कन अंदाज में, बहुत हैरान होकर अमेज्ड वे में उसकी तरफ देखते हुए सोचती है कि कैसे ये हमारे साथ चल रहा है और हमारे साथ बोल रहा है, हालांकि इस बंदे के अंदर ना तो ब्रेन है और ये खुद भी किसी मतलब स्ट्रक्चर ऑर्गन से मिलकर नहीं बना हुआ, ये तो एक स्ट्रॉ से मिलकर बना हुआ है।